नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम LIC कैंसर पॉलिसी के बारे में समझेंगे। किस उम्र तक का व्यक्ति LIC की पॉलिसी को ले सकता है, कितने टाइम तक के लिए ले सकता है, क्या सम अश्योर्ड रहता है इसमें, मिनिमम सम अश्योर्ड, मैक्सिमम सम अश्योर्ड, कैसे प्रीमियम का भुगतान कर सकता है एनुअली, हाफ ईयरली, ऐसे सब जानकारी आज हम जानेंगे LIC कैंसर पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि किस उम्र तक का व्यक्ति LIC कैंसर पॉलिसी को ले सकता है। हर वो व्यक्ति जो 20 साल से 65 साल तक का है वो LIC कैंसर पॉलिसी को ले सकता है। अब बात आती है कि कितने तक का ले सकता है, यानी कि मिनिमम इसमें 10 लाख तक का कैंसर कवर ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख तक का ले सकते हैं। कितने टाइम तक के लिए ले सकते हैं, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 30 साल तक के लिए LIC कैंसर पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसमें वेटिंग पीरियड 6 महीने है। इसका मतलब जिस दिन आपने LIC कैंसर पॉलिसी ली उससे आगामी 6 महीने तक आपको कैंसर नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट या आप ये बोल सकते हैं टर्म कंडीशंस जो कुछ भी बोल सकते हैं। और एक और है, जिस दिन पेशेंट को डायग्नोसिस होता है उसका क्या कैंसर है तो आगामी 7 दिनों तक वो जीवित रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम सर्वाइवल इसमें 7 डेज है आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब सम अश्योर्ड की बात आती है तो जैसे कि मैंने बताया इसमें मिनिमम 10 लाख तक का ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख तक का ले सकते हैं। मिनिमम टर्म 10 साल और मैक्सिमम 30 साल तक ले सकते हैं। और हर वो व्यक्ति जो 20 साल से 65 साल तक का है वो LIC कैंसर पॉलिसी को ले सकता है। अब बात आती है कि हम LIC कैंसर पॉलिसी ले क्यों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैंसर कैसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा पड़ता है, हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता उस खर्चे को वहन कर सके। इसलिए एक LIC ने कैंसर कवर पॉलिसी निकाल रखी है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट में अपना, अगर खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो जाता है तो उसका सारा खर्चा आपको LIC देगी। और इसमें सालाना कुछ है नहीं, बहुत कम प्रीमियम आता है, 200 रुपये महीने में आप 10 लाख 15 लाख तक के लिए अपने आप को कवर कर सकते हैं कम उम्र में। लेकिन अगर आप बड़ी उम्र में लेंगे जैसे 30-35 साल की उम्र में लेते हैं तो एज़ कम्पेयर टू 20-30 ईयर्स प्रीमियम आपका हाई रहता है इसमें। और मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का प्रीमियम अलग अलग है इसमें, यानी कि अगर मेल कैंडिडेट सेम सम अश्योर्ड हो एक फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए तो दोनों का प्रीमियम अलग अलग हो जाए इसमें। वेटिंग पीरियड का हमने देख ही लिया है इसमें कि 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, यानी कि जिस दिन आपने LIC कैंसर पॉलिसी ली उससे आगामी 6 महीने तक आपको कैंसर नहीं होना चाहिए और मिनिमम सर्वाइवल 7 डेज है इसमें। अब बात आती है कि इसमें कैंसर कैसे कैसे होता है, मतलब नहीं इंक्लूड करती कैंसर की पॉलिसी। अगर आपको कैंसर अल्कोहल की वजह से हुआ है, टबैको की वजह से हुआ है, HIV एड्स जैसी बीमारी की वजह से हुआ है तो इसमें आप तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और उसको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाता है तो उसको सारे बेनिफिट्स LIC कैंसर पॉलिसी के मिलेंगे। अब बात आती है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का बीमा लिया किसी व्यक्ति ने, उसकी सालाना प्रीमियम मान लीजिए 2800 रुपये आ रही है फिलहाल। एग्जैक्ट अभी अपन देखेंगे इस पे क्या प्रीमियम आती है कैसे आती है, लेकिन एक रफ आइडिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख का बीमा लिया और उसे कैंसर अर्ली स्टेज में पता लग गया, यानी कि स्टेज 1 में कैंसर का पता लग गया है कि उसे कैंसर है, तो क्या होगा। अगर जैसे ही डॉक्टर डायग्नोसिस करता है उसका कंफर्मेशन मिलता है डॉक्टर का, तो जो सम अश्योर्ड होता है, जैसे अपना केस में अभी 10 लाख का मान के चल रहे हैं, अगर 10 लाख का बीमा ले रखा है उस व्यक्ति ने और उसे फर्स्ट स्टेज में पता लगता है कि उसे कैंसर है तो 25% उसे हाथों हाथ मिल जाएगा, यानी कि 2.5 लाख रुपये उसे हाथों हाथ मिल जाएंगे अपने इलाज के लिए। और आने वाले 3 साल तक का उसका प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, उसे कोई प्रीमियम पे नहीं करना आने वाले 3 साल तक के लिए। या तो व्यक्ति सही हो जाएगा या आगे बढ़ेगा, यानी कि स्टेज सेकेंड में बचा कुछ 75% मिल जाता है, यानी कि अगर आपने 2.5 लाख पहले ले रखे हैं तो 7.5 लाख रुपये आपको मिल जाते हैं। अगर आपको पता ही सेकंड स्टेज में पता लगता है तो आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपये मिलते हैं। अब सेकंड स्टेज में या तो व्यक्ति सही हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, तो अगर डेथ हो जाती है तो उसने जिसको नॉमिनी को बनाया है उसने सम अश्योर का 1%, यानी कि 10 लाख के 10,000 रुपये हर महीने 10 साल तक आपको मिलेंगे, यानी कि 120 महीने तक 10,000 रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। तो आज आइए हम जानते हैं कि कैसा इसका प्रीमियम रहता है, क्या रहता है इसका, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई 25 साल का व्यक्ति है, अगर उसने 20 लाख का बीमा लिया 30 साल के लिए तो क्या होगा।